देसी कलाकार। नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी वीकेबी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। और एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। बचपन की 4 या 5 साल की उम्र से वो गाना सीख रहे हैं, एक रिनाउंड स्कूल में म्यूजिक टीचर। और सबसे खास बात, वो खुद ही के गाने बनाते हैं, लिखते हैं, कंपोज करते हैं और खुद उसमें दिखते भी है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी खास बात है, क्योंकि म्यूजिक तो सभी लोग करते हैं लेकिन उसको अपने हिसाब से मोल्ड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसे ही हमारे खासे मित्र प्रतीक हमारे साथ है, तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अमोल। मुझे मैंने पहले ही कहा इंट्रोडक्शन में कि जो लोग म्यूजिक को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि किसी और का है तो उतनी जान नहीं होती जितना हम देते हैं, और वो थोड़ा भी पॉपुलर हो जाता है क्रेडिट होता है। उन सब पर हम आएंगे, लेकिन पहला सवाल यही होता है मेरा हमेशा, शुरुआत कब से रही, म्यूजिक के साथ जुड़ाव कब से हुआ? एग्जैक्टली मतलब ऐसे में बताऊं तो मेरे फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है म्यूजिक का। मतलब जो होता है ना यूजुअली कि कोई घर में बजा रहा है, डैडी है, पापा है, मतलब इट्स लाइक अ गॉड गिफ्ट कहीं ना कहीं। और वो गॉड गिफ्ट काफी अनयूजुअल था, जो सुनने में आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। मुझे ये याद नहीं कि मैं सीधा गाना गा रहा था, मुझे बचपन में एक मूवी आई थी, काफी छोटा था मैं, कुछ कुछ होता है मूवी आई थी, तो उसका टाइटल सॉन्ग था कुछ कुछ होता है। तो मुझे दिमाग में बहुत फेंट मेमोरी है कि 4-5 भैया लोग मेरे आजू बाजू है और वो बहुत तालियां बजा रहे, क्योंकि उस गाने को मैं उल्टा गा पा रहा हूँ। अच्छा, लिरिक्स को। ओके ओके। तो मैं स्कूल में उसी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर था, मतलब सीधा गाना ओवर शैडो हो जाता इस वजह से, क्योंकि उसी चीज को मैं उल्टा गा पा रहा था। सीधा गाना तो हर कोई गा लेता है। उल्टा कौन गा रहा है? हाँ, ये उल्टा कैसे गा रहा है, तो मतलब लिटरली स्पोर्ट्स पीरियड में मुझे पकड़ पकड़ के लाते थे। ओके। कि कोई भी अगर खाली है कुछ है तो आ जाओ बेटा उल्टा गाना सुना दो करके। क्या तो हम भी सुनना जाएंगे भैया वो उल्टा गाना, एक बार जोरदार तालियां प्रतीक के लिए। और मेरे लिए भी पहली बार ऐसा कुछ होगा और हमारे दर्शक के लिए। ओके सर, ये वही गाना है जो मैंने आपको बोला था। ओके, कुछ कुछ तुम पास है, यस कुछ कुछ होता है। ने पस खादी बतोरा मेलरी गे जाना तासो है याक रुक ए हा छकु छकु ताहो है याक रुक ए हा छकु छकु ताहो है। जितना ये गाना सुविधा सुनने में मजा नहीं, आज मुझे उल्टा सुनने में मजा है। थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा ना तब उस उम्र में वो याद करना लिखना, बट मतलब वही चीज है कि वो मैं याद नहीं करता हूँ। जैसे अगर अभी भी कोई मैं गाना अगर सुनता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में कैलकुलेशन करके आई कैन सिंग, मतलब अगर मैं उसको सीधा गा सकता हूँ तो मैं उल्टा भी गा सकता हूँ। Exactly. ये तो बहुत ही यूनिक क्वालिटी है हमारे इस हुनरबाज के पास। मैं कहूंगा स्कूल में चलो पहचान लिया लोगों ने कि स्कूल में भी गए होंगे, फिर वो समय कब आया कि म्यूजिक को सीरियस ले लिया, और स्कूल कौन सा था सबसे बेस्ट पार्ट? हाँ एग्जैक्टली, मेरा स्कूलिंग हुआ केंद्रीय विद्यालय भंडारा से। ओके, आई वाज रियली फॉर्चुनेट, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में लाइक आपका पूरा ओवरऑल आपकी ग्रूमिंग होती है। एग्जैक्टली, तो म्यूजिक भी वहाँ पे था, मतलब अगर आप में हुनर है तो आपको रीजनल लेवल पे और कहीं पे भी। सो मुझे हमेशा लेते थे और हमेशा सेंटर में रखते थे ग्रुप सॉन्ग्स में, कई सॉन्ग्स जीते भी हम लोग स्कूल के लिए। सो वो बहुत अच्छा पार्ट था और म्यूजिक टीचर्स जो भी मिले वहाँ बहुत अच्छे मिले। तो मतलब मुझे ऐसे कोई पता नहीं था कि क्या करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जैसे मैंने बताया जीरो बैकग्राउंड, बस मेरे चाचा ऐसे जो गुनगुनाते हैं वो PWD में, वो गुनगुनाते काफी अच्छा गुनगुनाते हैं, बट एज अ प्रोफेशन उसको सोचना तो दूर की बात थी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो एक कंपटीशन हुआ, वो मैं कहूंगा बहुत एक अलग एक जर्नी थी, टर्निंग पॉइंट। एग्जैक्टली, तो जब वहां पे मैंने गाया तो वहां मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, ए मेरे वतन के लोगों सॉन्ग गाया था मैंने। एग्जैक्टली, मुझे याद है। और वहां जो जज थे मैम बागची मैम, तो उन्होंने फिर मुझे पकड़ के लाया कि बेटा ऐसे नहीं होता, तुमको सीखना ही पड़ेगा। मैं तो बस क्रिकेट खेलने में दिन भर अपना दोस्तों के साथ में घूम रहे और शौक के लिए गा रहे। मैम ने बोला नहीं बेटा सीखना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने जो है शुरुआत कराई क्लासिकल म्यूजिक सिखाने की। तो वो एक मैं बोलूंगा टर्निंग पॉइंट रहा, तब से फिर मतलब एक जुड़ाव बना। हाँ, बीच में थोड़े ब्रेक्स आए, बट वो जो एक शुरुआत मिली फिर उसको कहीं ना कहीं पकड़ के रखा। मुझे ऐसा लगता था प्रतीक जो है हमारे नागपुर से, लेकिन आज बड़ी खबर, प्रतीक भंडारा से आई थिंक। मतलब पापा मतलब यहीं से है, बट पापा की सर्विस वॉज इन जवाहरनगर, पापा ऑर्डनर फैक्ट्री में। फिर नागपुर कब शिफ्ट हुए आप लोग? नागपुर शिफ्ट हुए 2010 में। 2010 में नागपुर आ चुके थे। एक समय ऐसा आता है कि तब ना हमारे लिए चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पढ़ाई करे, म्यूजिक करे, करियर को फोकस करे, घर वालों के साथ डिस्कशन करते हैं, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। ये दौर भी आया होगा लाइफ में कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ हुआ कि सब प्लेन प्लेन सीधा सब ठीक ठीक गुड गुड होता गया? हाँ नहीं नहीं मतलब पीछे स्टोरी भी यही है इसके कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद में इंजीनियरिंग किया था,
और इंजीनियरिंग, इंजीनियर सब कर सकते हैं। हाँ इंजीनियर, हाँ इंजीनियर बन गए तो इसका मतलब आपको कुछ भी कर सकते, एक लाइसेंस मिल गया कि आप और कुछ भी कर लो। तो बोलते हैं कि इंजीनियर कैन डू एवरीथिंग, तो वही मेरे साथ। और इंजीनियरिंग में भी मुझे इतना ये नहीं था कि मुझे ये सब करना ही है, बट जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, पॉलिसी अच्छा, प्लेसमेंट हो गया, अच्छा पैकेज वगैरह सब मिल गया, तो वहां जाने के बाद में आपको पता चलता है कि नहीं कुछ तो मिसिंग है, राइट राइट, सब कुछ है तुम्हारे पास, पैसा है, एवरीथिंग, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, किक नहीं मिल रही, वो जो अंदर जो होता है ना, आप किस चीज के लिए बने और आप क्या कर रहे हो, तो अब आप किसी को बता भी नहीं सकते और आपको पता भी नहीं करना क्या है, तो वो चीज बहुत एक थी। बट फिर धीरे धीरे मैंने बोला नहीं, पहले अगर म्यूजिक करना है तो ग्रेजुएशन करना जरूरी है, मेरे दो एग्जाम्स बचे हुए थे, तो मैंने साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन किया, जॉब को मेंटेन किया, ओके, और जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैंने फिर फुल टाइम म्यूजिक में स्विच किया। तो वो समय कौन सा था जब प्रतीक ने सोचा कि नहीं यार चलो अब म्यूजिक ही करते हैं, 100% फोकस करते हैं, इसी पर काम करते हैं? या मतलब वही जब जॉब कर रहा था उस टाइम पे दिमाग में बना लिया था, बट वो कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, बहुत ज्यादा, जब आपके हाथ में कुछ हो तो आप उसको एकदम से छोड़ के दूसरी जगह दौड़ना इज नॉट गुड, भले आपके अंदर कितना भी पैशन हो, बट प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और लाइक सभी का है, मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप कभी भी मतलब एकदम से आप ऐसे डिसीजंस नहीं लेते इतने बड़े डिसीजन की। घर वालों का रिएक्शन कैसा था, तुमने कहा कि अब मैं नौकरी वोकरी छोड़ता हूँ, मैं थोड़ा म्यूजिक करना चाहता हूँ? घर वालों का मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊंगा कि उनका मतलब कभी उन्होंने ये नहीं किया, बाधा नहीं डाली उन्होंने कभी, उन्होंने, मैं ऐसे नहीं बोलता कि उन्होंने सपोर्ट किया कि वाह बेटा जा 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 तू कर ले, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, बट उन्होंने कभी, उन्होंने इतना देखा कि ये कितना समझदार है, ये कितने कष्ट करता है, ये कितना स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको जो करना है वो करने दो, कभी उन्होंने ये, क्योंकि उनको भी नहीं समझता था कि आगे क्या होता है करियर और कैसे करना है, बट उन्होंने कभी रोका नहीं कि नहीं तू, तेरे को यही करना है, तू यही करना है, ऐसे कुछ नहीं किया, तो वो भी एक तरह का सपोर्ट ही आई थिंक। मैं कहूंगा कि चलो म्यूजिक को अपन ने सीरियसली ले लिया, म्यूजिक के लिए अपन काम करने लगे, वो समय कब आया जब प्रतीक स्टेज पर इंडिपेंडेंटली आया और गाने लगा, लोग पहचानने लगे कि ये है प्रतीक? हाँ एग्जैक्टली, तो जैसे मैंने म्यूजिक सीखा और मतलब सीखने के बाद में एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता, एक शहर में आगे, जैसे मैंने बताया मैं भंडारा से नागपुर है, कॉलेज वगैरह में परफॉर्म किया, बट वो कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता, बट फिर धीरे धीरे मुझे मतलब कुछ अच्छे लोग मिले जिनके साथ में मैंने स्टेज शोज किए, देशपांडे हॉल में और साइंटिफिक हॉल में, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस के साथ में काम किया, तो वहां से मैंने पुराने सॉन्ग्स का मेरा कलेक्शन बढ़ा, और वहां मुझे लगा कि नहीं मतलब आई कैन सिंग, और कुछ कुछ मतलब बहुत स्पेशल एक्ट्स थे मेरे, जैसे एक सॉन्ग बहुत ज्यादा वो फेमस हुआ था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, तो उसमें मैंने मतलब मैं लिटरली अपना पूरा शेव कर लेता था, मुंह इतनी मुच्छी रखता था और डांस करके उस पे गाता था, तो वो बहुत ज्यादा पसंद था वो एक्ट, मतलब जहां भी मैंने गाया उसको 2-3 बार मुझे गाना पड़ता था, इतना पसंद था, 2-3 बार गाना पड़ता था, तो वो सारी चीजों ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं अभी इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको आने चाहिए, और वो कहते हैं ना कि जब आप उस डायरेक्शन में जाओ तो भगवान आपको गाइड करना शुरू कर देता है, तो उसी टाइम मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, तो उन्होंने फिर उसके बाद में मुझे सारे बेसिक समझाए म्यूजिक के, कि सारे फंडे क्लियर होते गए कि अच्छा नहीं ये है ये है ये है, ये चीजें ऐसी होती हैं, वो पता होना बहुत जरूरी है अगर आपको करियर अगर करना है तो। और फिर साइमल्टेनियसली मैंने गिटार भी सीखना स्टार्ट कर दिया, जब इंस्ट्रूमेंट पे एक होल्ड आ गया और एक ऐसी स्टेज आ गई, मुझे लगा कि नहीं मैं दूसरों को भी समझा सकता हूँ, मुझे लगा नहीं अभी मतलब एक अच्छा लेवल है, मतलब एक ठीक ठाक लेवल है अभी एटलीस्ट। मैं ये कहूंगा जिस गाने के बारे में हमने वंस मोर कहा कि वो गाना जिसने पहचान दिलाई प्रतीक को नागपुर जैसे शहर में, और जब भी प्रतीक गाते थे उस गाने के लिए वंस मोर आता था, तो मैं चाहूंगा वो गाने की भी 4 लाइनें जरूर हो जाए। ओके ओके। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। क्या बात है, थैंक यू। मैं ये कहूंगा प्रतीक, टीचर्स हमारे लिए, जैसे तुमने कहा कि वो टीचर्स ही होते हैं या पेरेंट्स ही होते हैं जो पहचान देगी, वो कौन कौन से लोग रहे जिनका आशीर्वाद, प्यार और गाइडेंस तुम्हें मिला, और जैसे तुमने कहा कि कुछ लोग आज भी तुम्हारे जहन में, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जरिए उन्हें तो आज याद कर लो, उन्हें थैंक्स कर लो। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट बाय लिस्ट में जाऊंगा बिल्कुल जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले जिन्होंने मुझे पहचाना, बागची मैम जो वहाँ, सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन्हें ही जाए। एग्जैक्टली, उन्होंने पकड़ के, उन्होंने वो ओनर ढूंढा और उन्होंने बिठाया, अगर वो क्लासिकल की तरफ अगर झुकाव नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद में मेरे स्कूल में एक थे शिखा नागर मैम, थे केवी में, साठे सर थे जो आई थिंक अभी भी नागपुर में और अच्छा कंपोज वगैरह भी करते हैं। ओके ओके। उसके बाद में लोकमत में
लोकमत में काफी अच्छे मैम थे, शमा वाखारकर मैम थे वहां से। उसके बाद में सुनील आगरकर सर हैं, उन्होंने तो मतलब काफी अभी भी वही गाइड कर रहे हैं, तो उनका तो क्या ही बोलूं उनके बारे में। और जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया फाटे मैम, ओके, हाँ उन्होंने भी मतलब काफी अच्छा गाइडेंस किया। तो ये सारे लोग हैं, और आई एम रियली सॉरी अगर किसी का नाम गलती से मिस हो गया होगा। नहीं नहीं, मिस तो होते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, दोस्त है, फैमिली है, उनका नाम मैं नहीं भूल सकता। मेरे कई दोस्त थे जो मुझे ले लेकर घूमे लिटरली बाइक पर कि इसके लिए म्यूजिक क्लास ढूंढ देंगे। राइट राइट, सो वो तो है, मतलब हमेशा बैकबोन रहे। मैं ये कहूंगा कि हम लोग कई सारे लोगों को देखते हैं। सॉरी एक नाम मैं मिस कर लिया, अभी जो ओरिजिनल मेरे जो कंपोज कर रहा है और जो मतलब वन मैन आर्मी जिसको बोल दो, वीडियो भी देख लेते हैं, ऑडियो भी देख लेते हैं, अतुल गुप्ता, यंग उम्र आएंगे आएंगे उन पर हम आएंगे, अभी वो सेगमेंट को थोड़ा समय है। तो आपसे गुप्ता जी, आपके बारे में रूबरू जरूर होंगे हम। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। मैं ये कह रहा था कि कुछ सारे लोगों को हम देखते हैं, उनके जैसा हम बनना चाहते हैं। आपके भी कुछ रोल मॉडल्स होंगे कि यार ऐसा करते हैं, ऐसा कर ले तो बस मजा आ जाए। तो ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनको देखना सुनना आपको पर्सनली बहुत पसंद है? एग्जैक्टली, सबसे पहले तो सोनू निगम, बहुत ज्यादा उनको फॉलो करता हूँ। मतलब अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग भी, जिस तरह उनका स्टेज प्रेजेंस होता है, जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, मिमिक्री करते हैं, मतलब एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है कि एक बार वो स्टेज पे खड़े हो गए तो आप नजरें नहीं हटा सकते उनसे। जी हाँ, पूरा कंटिन्यू 2-2.5 घंटा आप पकड़ के रखेंगे। और उसके बाद में ओरिजिनल आर्टिस्ट में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं गजेंद्र वर्मा को बहुत फॉलो करता हूँ, जिन्होंने MTV में गाया। मतलब उनका भी फैमिली इतना कोई बहुत ये नहीं है, बट उन्होंने भी मेहनत कर काफी लेवल से वो आए हैं और हमेशा ओरिजिनल पे ही अपने काम करते हैं और खुद कंपोज करते हैं, खुद लिखते हैं, खुद एक्ट भी करते हैं। राइट राइट, तो उन्हीं को देख के कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली कि नहीं कुछ ऐसे ही करना, इसलिए हमारा प्रतीक वैसा ही है। हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें फॉलो करता है। मैं ये कहूंगा रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, बट वी टेक इट ऑलवेज पॉजिटिवली बिकॉज हम लोग आर्टिस्ट हैं। शोज के बाद आपको भी बहुत सारे लिंक मिलते होंगे, अप्रिशिएट करते हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ हर आर्टिस्ट से कि वो ऐसा कौन सा रिएक्शन था जो हमेशा आपके जहन में आता था, यार इसने जो कॉम्प्लीमेंट दिया ना आज तक किसी ने, अच्छा हो बुरा हो। एक कॉम्प्लीमेंट था, वो मतलब इतना अच्छा था कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैं रेस्टोरेंट में ही परफॉर्म कर रहा था लाइव, राइट, सो एक मैम है, उन्होंने बोला कि आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है, आपकी जो आवाज है वो म्यूजिक है। क्या बात, वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मतलब वाओ, मतलब दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई कैन गेट। यस, मैं स्टॉक करते रहता हूँ प्रतीक को, शायद उसे पता नहीं हो फेसबुक यूट्यूब पर, सॉरी व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब पर। तो मेरे को ऐसा लगता है कोरोना ने बहुत ज्यादा जिंदगी प्रतीक की बदल दी, और सिंगल्स का जो एक था प्रतीक का, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना से ही ज्यादा स्पीड आ गई, फोकस हो गया प्रतीक, वर्कआउट हो, बॉडी हो, फिटनेस हो। तो मैं कहूंगा वो जहन में कैसे है कि नहीं यार अपना खुद का बनाते। हाँ, एक्चुअली ये भी एक फेज ही है, क्योंकि जब पहले स्टार्टिंग कवर से ही कुछ कवर सॉन्ग बनाए और जो भी लोग थे रिसोर्सेज उनके पास गया, बट एक पॉइंट के बाद में सैचुरेशन आ गया कि लाइक ठीक है कर रहे हैं सभी वही कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट सॉन्ग मैंने गाया था वो नैना अरिजीत सिंह का कवर किया था, वो बहुत पसंद आया लोगों को। उसके बाद में गाते 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 फिर जो बंदे ने बनाया था वो शायद कहीं और शिफ्ट हो गया, तो मुझे वो मतलब क्वालिटी नहीं मिल रही थी और वो मजा नहीं आ रहा था कवर्स कवर्स कवर्स। एक सॉन्ग था मैंने बहुत पहले लिखा था, अच्छा, तो उसका बस वो लिखा था और वो ट्यून थी मेरे पास में, तो मुझे किसी ने एड्रेस दिया कि भाई ऐसा ऐसा बंदा है इसके पास जाओ। तो मेरे दिमाग में था पहले कवर ही बनाऊंगा, बट फिर सडनली लगा नहीं चलो कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं जरूरी। तो उस वो बंदा भी इंग्लिश बनाता है, तो उसने बोला चलो करते हैं कुछ, बोला चलो कोशिश करते हैं क्या जाना। तो वहीं से फिर शुरुआत हुई, वो एक जो लिंक लगी फर्स्ट सॉन्ग की, तो उसमें इतना अच्छा रिएक्शन मिला, तो फिर लगा कि नहीं ओरिजिनल बनाने में बहुत अलग मजा है उसमें।
मैंने आपकी वीडियोस भी देखे, गाने भी देखे, और अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगी नागपुर में शूट हुए हैं, नागपुर में एडिट हुए, और मिक्स मास्टर जो है नागपुर में बहुत अच्छे लेवल का काम, मैं कहूंगा कि प्रतीक ने, तो इट्स डिफिकल्ट इतने सारे लोगों को गैदर करना, क्योंकि अपने यहाँ लोग बना तो लेते लेकिन प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा. एग्जैक्टली. तो यही अब यहाँ गुप्ता जी का रोल आ गया, क्योंकि ऐसे मतलब अगर आप देखोगे तो काफी लोगों के पास जाना पड़ता है. Right. इतना भी सुना है कि लोग काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं और बिल्कुल प्रोडक्ट वैसा नहीं मिलता. मिक्स मास्टर कहीं ऑडियो कहीं जाके रिकॉर्ड करेंगे पर आर के हिसाब से, मिक्स मास्टर कहीं और करेंगे, वीडियो के लिए अलग टीम आएगी और इतना लंबा चौड़ा बिल निकलेगा कि एक सॉन्ग बनाने के बाद में आपको लगेगा हाय राम अब नहीं करते, हो गया बस सारे सपने पूरे हो चुके हैं. और टू बी ऑनेस्ट ओरिजिनल गाने लोगों को पसंद एक्सेप्ट करने को थोड़ा टाइम लगता है, डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हम भी कहां सुनते हैं, जब कोई टी सीरीज पे भी अगर कोई गाना आता है हम कहां ही सुनते हैं. तो वही मतलब अब ऐसे एक इंसान से कांटेक्ट हो गया जो खुद से इंग्लिश सॉन्ग्स बना रहा है और उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा है, बट वीडियो में उनका कुछ मास्टरी नहीं था. तो अगर आप एकदम मेरा पहला वाला वीडियो देखेंगे तो वो क्वालिटी मतलब ऐसी थी कि हमने उस टाइम बस स्टार्ट ही किया था. तो फिर धीरे धीरे सब लोग ग्रो हुए, उन्होंने भी देखा कि नहीं ऑडियो है. हाँ, तो फिर धीरे धीरे सिंगल्स स्टार्ट किए, फिर बाद में सोचा कि नहीं अगर कुछ स्टोरी दिखानी है हमको तो लोगों को एंगेज करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर वैसे लोगों को ढूंढा जो इंटरेस्टेड है. राइट. फिर ऐसे ही टीम बनती गई. हाँ, डिफिकल्ट तो है बट वही मजा भी है उसमें. मैं ये कहूंगा जो गाने लिखे हैं या फिर आपने गाए तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर थे कि फिर आपने सोचा कि नहीं अभी कर दे तब वो आए हैं? हाँ एग्जैक्टली. मतलब पहले से प्रिपेयर कुछ नहीं थे. फर्स्ट सॉन्ग जब हुआ तो जब होता है ना वो रिलीज होता है उसके बाद में ऐसा रिस्पॉन्स आता है फिर अपन सोचते हैं अब कुछ करना चाहिए. कुछ करना चाहिए तो जब दिमाग हम ये सोचते हैं कुछ करना चाहिए तो कहीं ना कहीं से एक सेंट्रल थॉट आपको मिल जाता है. फर्स्ट सॉन्ग मेरा था दिल्ली में दिलहारा, तो उसके बाद में जो सेकंड थॉट था कि कुछ तो फ्रेंडशिप पे बनाना चाहिए, लोगों ने बोला चलो कुछ फ्रेंडशिप हाँ, दोस्ती पर. हाँ, तो दोस्ती पे तो फिर उस टाइम पे तेरे जैसा यार कोई भी नहीं ऐसा एक सॉन्ग बनाया. फिर वहां से हो गया, फिर बोला फ्रेंडशिप भी ट्राई कर लिया, रोमांस भी ट्राई कर लिया, चलो कुछ सैड जॉनर बनाते हैं, लोग दर्द बिकता है मार्केट में. ये बहुत जरूरी है. हाँ, दर्द बहुत जरूरी है, लोगों को दर्द चाहिए. तो उसी टाइम पे ओ माहिया तेरे बिना वो सॉन्ग बनाया. तो वैसे ही धीरे धीरे करते जब मैंने देखा कि नहीं पसंद आ रहा है लोगों को, तो और आज नहीं तो कल अगर आपको इस फील्ड में सस्टेन करना है तो खुद का कुछ होना बहुत 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 जरूरी, बहुत जरूरी है. एक अथॉरिटी होती है अपने, ये मेरा गाना ये है, मेरा है भाई, मेरा प्रोडक्ट है. एग्जैक्टली. मैं कहूंगा कि हर माँ के लिए ना उसके बच्चे सेम होते हैं, काला हो पीला हो नाटा हो मोटा हो, तो आपके जितने गाने होंगे सारे आपके फेवरेट. नो डाउट. पर मैं कहूंगा कि अगर मैं चाहूँ कि आप मेरे दर्शकों को कुछ सुनाए उन सारे प्रोडक्शंस में से तो कौन सा आप सुनाना पसंद करें? अच्छा, तो मैं अभी आपको जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है वो डेफिनेटली okay. सुनाऊंगा. अजनबी. अजनबी सुनाऊंगा मैं आपको. खुशी नहीं तेरे जाने का गम नहीं, कब ऐसा दिन भी आएगा जब होंगे फिर से अजनबी. तेरे आने की खुशी नहीं तेरे जाने का गम नहीं. वाह वाह, बहुत खूबसूरत. और मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में मजा नहीं है, कभी लाइव भी देखिए. और ये कहूंगा कि मैं लाइफ थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, स्कूल में भी आप पढ़ाते हैं, खुद क्लासेस भी जाते हैं, लेते भी हैं, शोज भी करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं ये सब, बैलेंस कैसे होता है? हाँ एग्जैक्टली. मतलब जब खुद का सॉन्ग बनाना होता है ना एनर्जी अपने आप आ जाती है, सारी चीजों की शक्ति मिल जाती है, तो यूजुअली बैलेंस हो जाता है. जैसे क्लासेस अगर लेना है तो मैं वीकेंड्स पे ले लेता हूँ, वीकडेज में मैं कुछ सीखने जाता हूँ, और शूट्स वगैरह वो तो काफी प्लान होता है. लाइक जो वीडियो जो हम करते हैं वो तो मैक्सिमम एक या दो दिन का शूट होता है, और जो बिहाइंड द सीन सॉन्ग पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि एक एक इंस्ट्रूमेंट को ऐड करना, उसके बाद में कौन सी चीज अच्छी लग रही है, वोकल स्क्रैच रिकॉर्ड करना, फिर वोकल्स रिकॉर्ड करना. सो वो तो धीरे धीरे एक प्रोसेस चलते रहता है, तो इसलिए सॉन्ग की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है. 2 महीना या 3 महीना एक सॉन्ग को लगता है, 2 महीना एटलीस्ट. क्या बात. हाँ. तभी प्रोडक्ट इतना अच्छा आता है. अगला सवाल मैं ये कहूंगा, लाइव शोज भी तुम करते हो, तो जब लाइव शोज होते हैं तो अपने ओरिजिनल्स भी लेते हो या फिर जो पॉपुलर ट्रैक्स है वो भी, क्योंकि लोग बहुत जानना चाहते हो कि बाद में शायद तुमसे कॉन्टेक्ट करके आप अपने सुनाते कि दूसरों को भी सुनाते. हाँ नहीं नहीं, मैं लाइव पे बिल्कुल अपने ओरिजिनल्स गाता हूँ. जैसे फ्रेंडशिप का सॉन्ग चल रहा है तो एक फ्रेंडशिप की मेडली अपनी गाता हूँ, और मुझे मतलब बहुत खुशी होती है जब लोग बोलते हैं कि नहीं ये जो आपने लास्ट वाला गाया ना ये दोबारा लीजिए.
तो ये तेरे जैसा यार, क्योंकि फ्रेंडशिप पे सॉन्ग है, बहुत पसंद आता है लोगों को, इसके लिए कई बार मुझे बोला है लोगों ने वंस मोर लाइफ। क्या बात है, क्या तो वो मुझे लगता है कि दैट इज माय रियल अचीवमेंट कहीं ना कहीं, कि सच में मतलब लिखा हुआ भी मेरा ही और सब कुछ है तो, और वो जब कोई बोल रहा है कि नहीं वंस मोर, तो बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं कहता हूँ सफर शुरू होता है तो एक मुकाम पे भी जरूर पहुंचता है, आप निकले हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए एग्जैक्टली एक गोल होगा, एक एम होगा। तो मैं पूछूं प्रतीक से कि प्रतीक क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, कहाँ पहुंचना चाहते हो, तो क्या होगा जवाब? एग्जैक्टली मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जहाँ मैं गा रहा हूँ और सिर्फ अपने गाने गा रहा हूँ, क्या और सब लोग मेरे साथ गुनगुना रहे हैं। बस ये ड्रीम है मेरे आंखों में कि एक पैक स्टेडियम है पूरा, इंडिया में, फॉरेन में, कहीं पे भी, और हर जगह लोग बात कर रहे हैं कि नहीं मेरा गाना कब आएगा, कब आएगा, और सब लोग मेरे साथ मेरे गाने को गा रहे, सबको मेरे गाने मुंह जुबानी याद है और मेरे साथ गा रहे। क्या बात, हम दुआ करते हैं कि प्रतीक का ये सपना जो है वो जरूर जल्द से जल्द पूरा हो, उस ऑडियंस में हम भी बैठे, वीआईपी पास हो हमारे पास, और हम प्रतीक के सारे गाने जो है वो गुनगुनाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतनी सारी बातें की, इतनी सारे गाने सुनाए, और तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आज के हमारे इस देसी कलाकार इस शो में बस इतना ही, प्रतीक के बारे में ढेर सारी बातें आप लोगों ने सुनी, गाना भी सुना। अगर आप फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आप ACN या फिर GTPL पर देख रहे हैं, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं भी और भाई साहब भी, हमारे हम दोनों फेसबुक इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, VKB भी फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही, मैं अमूल आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में कोई और खास मेहमान होगा, लेकिन आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे खास बात खुद का ध्यान रखिए। देसी कलाकार।